हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 to 2024 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोर ओवर अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। A reputed tuition center in Lakshmi Nagar conducted a test for the students of class 11th who are enrolled in the tuition. The students scored marks out of 80 as given below. ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि टेस्ट में उन्होंने स्कोर किया होगा, जो कि इस ट्यूशन सेंटर में एनरोल्ड हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आंसर द फॉलोइंग। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर। पार्ट ए में क्या बोला हुआ है? फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमें मीन मार्क्स निकालना होगा। इसके लिए सबसे पहले जरा हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लेते हैं। यहां पर टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हैं? तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 3 यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। अब हमें इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना होगा बेसिकली पार्ट ए के सॉल्यूशन के लिए, यानी समेशन ऑफ एक्स आई हम फाइंड करेंगे। इन सभी को ऐड करके बताओ क्या आने वाला है। तो इन सभी को ऐड करने पे समेशन एक्स आई की वैल्यू आएगी 500। ठीक है ना, यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो हमें पार्ट ए में बेसिकली मीन फाइंड करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीन का फॉर्मूला होगा समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10, मतलब मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा 50। तो ये पार्ट ए का आंसर हो गया इस क्वेश्चन में। अब जरा पार्ट बी में देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी अब यहां पर हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, डेविएशन को डीआई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और डीआई का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन। ठीक है ना, तो अब यहां से सभी ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन क्या होगा फ्रॉम द मीन, जिसे हम डीआई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए जरा 1 by 1 लिख लेते हैं। 38 माइनस 50 करोगे यानी -12 आएगा, हमें इसका मॉड्यूलस लेना है यानी ये 12 बनेगा। 70 माइनस 50 यानी ये आपका 20 आ जाएगा। 48 माइनस 50 -2 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस है तो हमें 2 लेना पड़ेगा। 40 माइनस 50 ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। ठीक है ना, 42 माइनस 50 यानी 8 बन जाएगा। 55 माइनस 50 यानी 5 आएगा। फिर 63 माइनस 50 यानी ये 13 आएगा। 46 माइनस 50 यानी 4। 54 माइनस 50 यानी वंस अगेन हमें 4 मिलेगा। फिर 44 माइनस 50 यानी ये 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से सभी ऑब्जर्वेशन यानी XI का मीन के साथ क्या डेविएशन बनेगा वो हमने यहां पर लिख लिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा समेशन DI अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सभी DIs को यानी डेविएशंस को हम लोग ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10 से डिवाइड करने वाले हैं। तो फटाफट सभी डेविएशंस का सम करके बताओ क्या आने वाला है बच्चों। तो इन सभी को ऐड करने पे बेसिकली हमें मिलेगा 84 अपॉन 10 यानी 8.4। ये आपके बी पार्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, be good, take care, all the best. Thank you, bachcho.